ये वेजिटेबल रूम है, यहाँ पे वेजिटेबल्स फ्रूट्स डेयरी रूम लिखा हुआ है, फिश एंड मीट रूम। हाँ इस पंपकिन इतना बड़ा भाई, पंपकिन लास्ट के लिए हो जाए होता है ना। ये है ड्राई प्रोविजन रूम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम सिराज और आप देख रहे हैं SAS मरीनर। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा इस जहाज़ का जो गैली स्टोर होता है। गैली स्टोर में जैसा क्या क्या सामान रहेगा, खाने पीने का सामान रहता है। गैली स्टोर गाइस जो खाने पीने का सामान रहता है, जो चीफ कुक के अंडर में रहता है और जी संभालते हैं उसे। आज मैं आपको गैली स्टोर दिखाऊंगा। लास्ट जहाज़ का मैंने आपको दिखाया हुआ है, वीडियो अपलोडेड है, और अभी ये जहाज़ का मैं स्टोर दिखाऊंगा। ये जहाज़ का स्टोर थोड़ा छोटा है, क्योंकि जहाज़ छोटा है तो हर एक चीज़ छोटा है, होल्ड से लेके हर एक चीज़ छोटा रहता है गाइस। तो पिछला वाला जहाज़ का जो स्टोर था वो काफ़ी बड़ा था, इस जहाज़ का थोड़ा सा छोटा है। तो गाइस चलिए मैं लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ, और प्रोविजन स्टोर में जो कुछ भी है मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस चलिए। मिस्टर गॉडसन, नो प्रॉब्लम ब्रो, हियर मिस्टर चीफ कुक। हाँ तो गाइस, मेरा कैबिन था सी डेक पे, और सी डेक से मैं ए डेक पे आया। ए डेक पे ही गैली है, यहाँ पर मेसरूम भी है, खाने पीने का यहाँ पर भी, खाने पीने का भी जगह यहीं पर है और गैली भी यहीं पर है। तो गाइस मैं अभी गैली नहीं दिखाऊंगा, मैं चलता हूँ स्टोर की तरफ से। नॉर्मली आप पूरा देख ही चुके होंगे, मैं दिखा देता हूँ और यहाँ काम चल रहा है कैसे। ये हॉट प्लेट, और इस पे रोटी बनाने का काम होता है हमारे चीफ कुक। आज क्या है चीफ साहब? संडे को बिरयानी। तो गाइस ये अभी ए डेक पे हूँ, ए डेक से मैं अपर डेक पे लेके जाऊंगा, नीचे इससे नीचे वहां पर स्टोर है, और आपको दिखाऊंगा स्टोर में क्या क्या है और कौन से, मतलब कैसा स्टोर रहता है। तो गाइस चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको। चलो आ जाओ, ये हमारे स्टोर, ये अपना स्टोर है, यहाँ डेयरी रूम लिखा हुआ है। क्या है? डेयरी। डेयरी में मिल्क प्रोडक्ट एंड जूस ये सब रखता है। ये मिल्क है, ये जूस है, ये डेयरी रूम। हाँ, ये डेयरी रूम। कितने महीने का चीज अभी? ये मतलब डेढ़ महीने तक चल जाएगा। डेढ़ महीने तक चल जाएगा। नेक्स्ट है फिश एंड मीट रूम। फिश एंड मीट रूम यहाँ पे लिखो, फिश एंड मीट रूम। इसका टेम्परेचर होता है -18 का, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए -18। इसके अंदर बहुत कोल्ड रहता है, इसके अंदर जाने के लिए जैकेट करना पड़ता है। यहाँ पे जैकेट रखा हुआ है तो पहन के जाने का। यहाँ पे चिकन, मटन, फिश और ब्रेड, फिश अपने पास है, फिलेट फिश है और प्रॉन्स है। यहाँ पे प्रॉन्स होता है और पॉम्पलेट है, पॉम्पलेट जो कुछ भी रहता है सब ब्रांडेड रहता है, मतलब एक्सपायरी वगैरह सब कुछ उसमें लिखा रहेगा। हाँ, उसमें लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट क्या है। बाकी ब्रेड वगैरह है, पिज्जा, पिज्जा बेस, फ्रोजन वेजिटेबल्स यहाँ पे रखा हुआ है, फ्रोजन वेजिटेबल्स। अच्छा, इसको भी इसी में रखते हैं। हम्म,
और क्या है उसके अंदर, आइसक्रीम वगैरह भी यहाँ पे रखते हैं। भागो यहाँ से, बहुत ठंडा है। हाँ, तो ज्यादा टाइम रुक नहीं सकते उसके अंदर। यहाँ पे फिर वो एक अलराम भी है, अगर उसके अंदर दरवाजा फंस जाएगा, यहाँ पे बटन है उसको दबाने का, रेन के फेक में ओपन नहीं हो रहा, उसको दबाएगा तो ऊपर अलराम बजेगा, तो पता चलेगा उन लोग को फंसा हुआ है, तो लोग आके खोल सकते। नेक्स्ट है वेजिटेबल रूम। इसके अंदर तो एक घंटा ही ना है, एक घंटा किसके लिखा, आधा घंटे पहले। कौन सा रूम है ये? वेजिटेबल रूम है, यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी ओनियन, पोटैटो, सब कुछ यहाँ पे रखते हैं। ये वेजिटेबल्स और ये फ्रूट्स वगैरह एक महीने चल जाता है? हाँ, एक महीने। वेजिटेबल नहीं चलता है, अगर फ्रूट चल जाता है एक महीने के लिए, वेजिटेबल समथिंग 15 डेज में, 15 दिन के बाद वो प्रोसेस चलाना पड़ता है। ये अंडा भी यहाँ पे, उसे ग्रीन एप्पल है और ऑरेंज एप्पल, रेड एप्पल, इसमें रेड एप्पल है एप्पल, और ग्रेप्स है, कीवी है, कीवी भी है, कीवी बहुत रेयर होता है ऑन बोर्ड। ये पीएस है, पीएस और बाकी वेजिटेबल्स है, बाकी वेजिटेबल्स, बीन्स, ये भिंडी बहुत छोटा है, जैसा भिंडी स्मॉल साइज। तो मैं लाइन से दिखा दूं, पाइनएप्पल भी है? हाँ, पाइनएप्पल भी। वो लास्ट वाला बचा हुआ था कि अभी नया आया? नहीं, नहीं नहीं है। इतना बड़ा हाँ, पंपकिन लास्ट के लिए होता है ना, मतलब जब कुछ खत्म हो जाएगा, खराब, ज्यादा खराब नहीं होता। दाल वगैरह, राइस, वाटरमेलन नीचे, सब बड़ा है, ओनियन, कुकुम्बर, ड्राई प्रोविजन रूम। चलो, यहाँ पे मसाला वगैरह है, मसाला, टिन आइटम्स, बिस्किट, नूडल्स, कॉफी और टी बैग, सीरियल्स, जो भी ये ड्राइड आइटम्स है, टिन आइटम्स, पैकेट आइटम्स, सब यहाँ पे स्टोर करते हैं। उसके लिए वो टेम्परेचर की जरूरत नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं। देख लो सामान, ये क्या है? दाल नहीं, वो सीरियल्स, राइस प्लस। उसलिए उसलिए कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा खराब है। बिस्किट है, जाम, ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, 18 मीट से ठीक है, टूना फिश है, फिश करी, बाकी मसाला वगैरह है, ये ऑयल नहीं है, सोया सॉस, सोया सीजनिंग, सोया सॉस। तो गाइस, ये छोटा सा हमारा प्रोविजन स्टोर था। चीफ साहब ने जैसे बताया कि ये अपना फिश एंड मीट रूम, ड्राई रूम और वेजिटेबल रूम और बाकी सब जो डेयरी रूम था, ये पूरा इतने थे प्रोडक्ट, अलग अलग चीज़ें अलग अलग उसमें रखा जाता है, जैसा किसी का टेम्परेचर हाई होता है, किसी का टेम्परेचर लो होता है, तो उसी हिसाब से रखना पड़ता है। तो गाइस, ये स्टोर था लास्ट, अगर मेरा वीडियो देखेंगे लास्ट जहाज का, तो थोड़ा बड़ा जहाज़ था वो, करीब
44,000 जीआरटी का था, ये करीब 22,000 या 23,000 जीआरटी का है। तो वही हिसाब पे इसका स्टोर भी है और हर महीने हम स्टोर लिया करते हैं, मतलब जैसे ही स्टोर खत्म होगा हर महीने आ जाता है। वेजिटेबल 15 दिन में ख़राब होता है तो 15 या 20 दिन के बाद में वेजिटेबल आता है, तो ऐसे ही स्टोर हम उठाते रहते हैं और हमारा काम ऐसे ही चलता रहता है। जैसे न्यू पोर्ट आएगा उसके बाद हम ले लेते हैं, अगर एक महीना कंप्लीट हुआ तो गाइस ये छोटा सा था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो अच्छा लगे वो करें। और अभी मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, इतना ही वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। This is card, huh? Yeah. You making what? Yeah, raita, biryani, and sometimes we are making raita for biryani sides. Okay. You like biryani? I like very much. Yeah, everybody is like biryani. Because of this Ukrainian also you eating biryani, yeah? But they not like spicy, but it's like biryani very much. Okay.